जिस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो ठीक मेरे पीछे एंड दैट इज़ आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन जयपुर टू विजिट। और क्यों बेस्ट प्लेस है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं आमेर फोर्ट। जयपुर विजिट के सेकेंड डे हमने डिसाइड किया था कि फोर्ट टूर करेंगे, तो ठीक सुबह 8 बजे हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। कहा जाता है कि आमेर फोर्ट को बनने में तकरीबन 100 साल लगे थे और इसका नाम आमेर रखा गया था अंबा माँ के नाम पर, जो कि हिंदू देवी हैं। और राजा मान सिंह ने इसकी शुरुआत करी और राजा जय सिंह ने इसे कंप्लीट किया। राजा जय सिंह आपको बता दूं वही हैं जिनके नाम पर जयपुर शहर का नाम रखा गया। आमेर फोर्ट एक पहाड़ी पर लोकेटेड है और आमेर फोर्ट जिस पहाड़ी पर है इसे कहा जाता है चील का टीला, क्योंकि चील अपने शिकार देखने के लिए सबसे ऊंचे टीले पर बैठती है। इसीलिए ये फोर्ट्स भी दुश्मन पर अच्छी नजर रखने के लिए ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते थे। दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड चील का टीला। अब यहाँ पर पहुंचने के बेसिकली दो तरीके हैं, या फिर तो आप इन हाथियों की सवारी करके पहुंच जाए या अपनी गाड़ी से पहुंच जाए। तो आई डू अंडरस्टैंड के सर हाथी पे बैठकर इतनी हाइट तक उनको लेकर जाना इज नथिंग लेस देन एनिमल क्रुएलिटी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि भैया हम जाएंगे तो अपनी गाड़ी पर ही जाएंगे। जब आप ऊपर आमेर फोर्ट में गाड़ी से उतरते हैं तो वहां से आप आमेर फोर्ट में एंटर करते हैं चांद पोल से। यहाँ पोल का मतलब है गेट। आमेर फोर्ट में एंट्री के लिए 4 गेट बनाए गए हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट गेट्स हैं सूरज पोल और चांद पोल। तो सूरज पोल से आते हैं हाथी और चांद पोल से आते हैं हम। हम यानी कि वो लोग जो हाथियों पर जुल्म नहीं करते। पर उस जमाने में सूरज पोल का इस्तेमाल किया जाता था हाथी घोड़ों को लाने के लिए, और आप यकीन मानिए उस जमाने में हाथी घोड़ों की सेहत भी बहुत अच्छी हुआ करती थी आज के मुकाबले। और ये वही जगह है जहां पर जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन आमेर फोर्ट में एंटर कर रहे थे। तो जब आप चांद पोल से एंटर करके अंदर पहुंचते हैं, उस जगह को कहा जाता है जालेब चौक। आपको ये बता दूं कि आमेर फोर्ट बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, या आप कह सकते हैं कि इसे 4 हिस्सों में बनाया गया है। इन सभी हिस्सों का एक अपना कोर्ट यार्ड यानी चौक है और सभी का अपना एक एंट्री गेट है। चांद पोल या सूरज पोल से जब आप आते हैं तो आप जालेब चौक में ही आएंगे। तो हम भी हैं अब जालेब चौक में। इसका यूज होता था जब सेनाएं युद्ध जीत कर आती थी या कोई फंक्शन होता था तो सभी यहीं पर इकट्ठे होते थे। और जालेब चौक में यहाँ ठीक चांद पोल पर ही नगाड़े बजाकर रानियों को और यहाँ के निवासियों को या सेना को राजा के वापस आने के बारे में खबर दी जाती थी। जालेब चौक की सीढ़ियों से चढ़कर आप पहुंच जाते हैं आमेर फोर्ट के दूसरे सेक्शन में। यहाँ पर देखने के लिए है दीवाने आम। अब दीवाने आम बेसिकली वो जगह है जहां पर राजा आम प्रजा की प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। दिस इज द सेकेंड कोर्ट यार्ड इन आमेर फोर्ट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये जो आर्किटेक्चर है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुगल, क्योंकि जो यहाँ के राजा थे उनके जो सन इन लॉ थे वो अकबर थे, तो उन्होंने थोड़ा सा टच मुगल का दिया और बाकी हिंदू का रखा। तो ये आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये जो नीचे आप देख रहे हैं दिस इज ये सारा हिंदू आर्ट है, और जो ऊपर है दैट इज़ ऑल मुगल। सामने आप ये जो डोर देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्रिटिश डिज़ाइन में है, क्योंकि जो यहाँ के राजा थे उनके बहुत सारे गेस्ट ब्रिटिशर्स थे, तो इसीलिए उन्होंने ये डिज़ाइनिंग जो रखी है वो ब्रिटिश के हिसाब से रखी है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने फोर्ट में जो बहुत सारी पुरानी जो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी राजा के द्वारा, तो उसमें से ये एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो आप देख रहे हैं सामने,
ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं लाइक अ टॉम काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे क्या होता था जब पुराने टाइम में जो यहाँ के सिपाही होते थे उनको जब लगता था कि कुछ वॉर होने वाली है, जब कोई दुश्मन हमला करने वाले हैं या इस टाइप की कोई भी इंडिकेशन जब उन्हें देनी होती थी तो वह वहाँ पे ड्रम बीट करते थे, क्योंकि पुराने टाइम में कोई फ़ोन नहीं होता था, कुछ और सिग्नल्स नहीं होते थे, तो वो ड्रम्स यूज़ करते थे जिसको बीट करके वो राजा को इन्फॉर्म करते थे कि अब वॉर के लिए रेडी हो जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने में क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती थी एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए, चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। उस जमाने के लिविंग स्टाइल में जो एक अमेजिंग चीज थी वो था ये टर्किश बाथ। ये क्या है देखिए। तो जो एक इंडिजीनियस बाथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है विच इज दिस बाथ, जहाँ पे जो है एक तरह से ये स्पा कह सकते हैं या बाथ कह सकते हैं, इट्स अ बाथटब जो उस वक्त यूज़ किया जाता था। एंड दिस इज़ द टैंक्स दैट यू कैन सी इनसाइड, जिसमें कॉपर की प्लेट है, यहाँ पे पानी गर्म होता था नीचे चिमनी से। सो दिस इज़ द कॉपर प्लेट दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, दिस इज़ फॉर हॉट वाटर एंड दिस इज़ फॉर कोल्ड वाटर। सो दीज आर टैंक्स बेसिकली जो उस वक्त यूज़ होते थे। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ कम, विच इज़ दिस चिमनी जो आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से गीज़र है उस वक्त का, दिस इज़ द गीज़र ऑफ दोज टाइम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर वो कॉपर की प्लेट है, नीचे यहाँ पे जलाई जाती थी आग और उससे कॉपर की प्लेट में जो पानी होता था जो टैंक में मैंने आपको दिखाया गर्म होता था, और इस तरह से गर्म पानी के लिए एंशियंट गीज़र है। और इसी तरह के कई पुराने इंजीनियरिंग वाले वंडर्स आप देख सकते हैं इसी दीवाने आम वाले सेक्शन में, और उसके ठीक सामने है ये गणेश पोल। अब अगेन आप जानते हैं पोल का मतलब है दरवाजा, और ये गणेश पोल आमेर फोर्ट की जान है। भगवान गणेश जी के नाम पर इस गेट को बनाया गया था और यह सबसे सुंदर गेट्स में से एक है। इसके ठीक ऊपर एक झरोका था या जिसे आप विंडो कहते हैं, और इसे बनाया गया था ताकि रानी पर्दे में रहते हुए कोर्ट यार्ड की सभी कार्रवाइयां देख सकती थी, और ऑब्वियसली रानी को कोई नहीं देख सकता था। तो यहाँ पर जब आप आते हैं आपको एक लग्जरी का एहसास तब होता है जब आप देखते हैं कि आपकी पेंटिंग्स में भी गोल्ड वर्क हुआ है। हैव अ लुक ओवर देयर, ये जो पेंटिंग है इसमें सारा गोल्ड वर्क है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ऑल दिस इसमें रियल जेम्स है। सो ऑल दिस इज मेड ऑफ रियल जेम्स, अमेजिंग। गणेश पोल से एंटर करके आप पहुंच जाते थे यहाँ के थर्ड यानी कि तीसरे चौक में। ये जगह थी राजा का निवास स्थान, यानी कि जहाँ पर राजा और रानी रहा करते थे। तो अमेर फोर्ट में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह मुझे लगी है ना, वो यहाँ पे है ये शीश महल। शीश महल के अंदर कुछ अमेजिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर शीश महल और देखते हैं यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स है। कम है जय मंदिर या शीश महल, अमेर फोर्ट में शीश महल एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। रानी की डिमांड यह थी कि वो सोते हुए तारे देख सके, पर सर्दियों में तो बाहर सोना पॉसिबल नहीं था। बस फिर क्या था, राजा ने बनवा दिया रानी के लिए ये शीश महल। यहाँ शीशे के पीसेस कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि एक दिया जलाते ही ऐसा लगता था कि जैसे चारों तरफ सितारे झिलमिला उठे हों। और आपको ये भी बताता चलूं कि मुगले आजम मूवी का मशहूर गाना प्यार किया तो डरना क्या यहीं पर शूट हुआ था। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप अपने फोन की फ्लैश लाइट्स जलाकर भी ये झिलमिलाते सितारे देख सकते हैं। Another interesting thing out here is this magic flower जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। So if you see over here, यहाँ पर अगर मैं से इसको अलग अलग फेस हाथ को रखने से जो इसकी बेसिकली शेप्स आती हैं बहुत अमेजिंग है वो लोग। ये अब बन रहा है दिस इज अ स्नेक, जैसे मैं इसे करता हूँ। अगेन इफ आई एम हाइडिंग दिस थिंग अप इट्स ऑलमोस्ट स्कॉर्पियन, इफ यू सी आउट हियर इट्स अ स्कॉर्पियन। सब कुछ हाइड कर रहा हूँ तो दिस इज बिकमिंग एन एलिफेंट। और यहाँ पर जो है दिस इज अ बटरफ्लाई आउट हियर, इसको मैं हाइड करता हूँ सो एलिफेंट हियर। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। एंड अगेन इफ यू सी ओवर हियर, इसको मैं करता हूँ सो इट बिकम्स अ स्कॉर्पियन। तो इस तरह की जो आर्किटेक्चर्स हैं, दीज काइंड ऑफ इमेजेस आर प्रीटी अमेजिंग टू सी आउट हियर, जो इन्होंने बनाई गई थी। टेक्नोलॉजी से भी ये लोग काफ़ी एडवांस थे एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। काफ़ी अंग्रेज हैं इस टाइम यहाँ पे। सो अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हैं देर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉरनर्स आउट हियर, दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप लोग आते हैं। सो इट्स अ टिप दैट ड्यूरिंग दैट टाइम यू नो इट विल बी लेस रश ओवर हियर, सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू कम अराउंड 12। बट अगर आप हाथी पे आना चाहते हैं विच इज समथिंग आई डू नॉट रिकमेंड, तो आप पहले भी आ सकते हैं।
यहाँ से बाहर निकलकर आप पहुँच जाते हैं फोर्थ कोर्ट यार्ड में, जिसका नाम है जनाना, जिसका मतलब है लेडीज, यानी कि औरतों के लिए। तो जैसे नाम से ही जाहिर होता है, यहाँ रहा करती थी राजा की अलग अलग रानियां, और वो भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जो राजा थे उनकी 12 रानियाँ थी, और हर रानी को उन्होंने एक तरह से अलग अलग अपने अपार्टमेंट्स दिए हुए थे। तो 12 रानियाँ, 12 अपार्टमेंट्स, और सबको अलग अलग किया हुआ था। आजकल के टाइम में हमसे एक नहीं संभलती, और उनकी 12 थी, बट समझदारी आप देखिए उनकी क्या थी, सबको अलग अलग करके रखा हुआ था। सो दैट इज़ वन थिंग आउट हियर। इफ़ यू सी, दिस इज़ वन कोर्टयार्ड, आप देख रहे हैं वो राजा का है कोर्टयार्ड, बिकॉज राजा कैन सी ऑल द रानीज, बट रानी जो हैं एक दूसरे को देख पाएँ या नहीं देख पाएँ, जानते हैं लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है। सो दैट इज़ वन थिंग आउट देयर, उन्होंने समझदारी से तब भी चलते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न देर आर 12 कोर्टयार्ड्स फॉर 12 क्वींस। और राजा वाकई में आपको वॉर जीते या नहीं जीते वो एक बात है, बट 12 रानियाँ रखी हुई थी, दैट मीन्स राजा वॉज वेरी ब्रेव। सो हैव अ लुक, 12 कोर्टयार्ड्स, 12 क्वींस। सो दिस इज़ द एंटायर कोर्टयार्ड ऑफ क्वींस दैट यू आर सीइंग। मेरे पीछे जितने भी हैं ये सारे कोर्टयार्ड हैं क्वींस के, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें जो फेंसिंग वाला फाइट सीन था वो यहीं पे पिक्चराइज हुआ था। और फाइनली यहाँ के बाद आप आ जाते हैं इस टूर के क्लाइमेक्स पे, और इस क्लाइमेक्स में भी काफी सरप्राइजेस हैं। वो क्या है देखिए। Have a look, the size of this कढ़ाई, कितना सारा खाना पहले टाइम में बनता होगा, ये देखिए कितना बड़ा वेसल है। अब अगर मैं इस कढ़ाई को सेलिब्रिटी कढ़ाई कहूँ तब भी कोई गलत नहीं होगा। रीजन बीइंग, इस कढ़ाई ने भी जोधा अकबर में काम किया हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं कि पुराने टाइम में यूजली हर एक फोर्ट में टनल्स हुआ करती थी, तो अमेर फोर्ट में भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये टनल है। जब राजा को अपनी वाइफ और अपनी सेफ्टी के लिए मूव होना होता था, जैसे कोई वॉर होने वाली होती थी या कोई दुश्मन हमला करने वाले थे, तो वो सेफ्टी के लिए इस टनल से स्ट्रेट जैगर फोर्ट में जाते थे। दिस टनल इज 2 किलोमीटर्स लॉन्ग। आई होप कि आपने हमारा जैगर का एपिसोड देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं। जयपुर में जयगढ़ का काफी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अमेर फोर्ट के लिए इसे यूज किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर रहती थी आर्मी जो कि करती थी अमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट। और इस जयगढ़ फोर्ट से आप पूरा अमेर फोर्ट का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं, और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अमेर फोर्ट का ये एपिसोड, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग कहानियों से भरा हुआ था, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर क्यों वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे और भी ट्रैवल, फूड एंड शॉपिंग वीडियोज़ को लेकर, और ये वीडियोज़ भी आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि Thank you.